एजुकेशन असलम फ्रेंड्स वेलकम खुश आमदीद ऑन माई यूट्यूब चैनल एल्फा एजुकेशन उम्मीद आप सब ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश होंगे स्टूडेंट्स हम एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक्स पे होगी इस लेक्चर सीरीज़ में हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंट तरह के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे लेकिन चूंकि आज का हमारा लेक्चर लेक्चर नंबर वन है तो इस लेक्चर नंबर वन में हम इंट्रोडक्शन और स्कोप को कवर करेंगे स्टूडेंट्स अगर आपने अभी तक एल्फा एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ एक और ज़रूरी बात यह लेक्चर देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आज के टॉपिक के हवाले से तो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके अपना जो भी सवाल है वो आप मुझसे कर सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करूँ चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो बात करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की इसके डिफिनेशन की तरफ जाते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जनरल लिंग्विस्टिक्स यानी जो लैंग्वेज की स्टडी होती है उसकी एक सब फील्ड है अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स refers to the study and usage of linguistic knowledge, theories and techniques to address real world issues and challenges related to language use. Applied linguistics में हम क्या करते हैं हम linguistic knowledge, theories और techniques को study और use करते हैं हम क्यों study और क्यों use करते हैं ताकि हमारे पास दुनिया में यानी रियल वर्ल्ड में जो लैंग्वेज के यूज़ के हवाले से इश्यूज़ आते हैं और जो लैंग्वेज के यूज़ के हवाले से चैलेंजेस आते हैं हम उनको एड्रेस कर सकें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम ये चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं ये चीज़ स्टडी करते हैं कि जब हम लैंग्वेज को दुनिया में यूज़ करते हैं रियलिटी में सो जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास लैंग्वेज को यूज़ करने के दौरान जो प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना अपलाइड लिंग्विस्टिक्स के एक मेजर फोकस है इट इज़ इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड सॉल्विंग रियल वर्ल्ड लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स थ्रू रिसर्च एंड प्रैक्टिकल यूज़ अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इंटरेस्टेड है किस चीज़ में कि वो स्टडी करे और सॉल्व करे। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स किस चीज़ को स्टडी और सॉल्व करती है रियल वर्ल्ड लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम यानी आपके रियल वर्ल्ड में रियल वर्ल्ड का मैंशन यहाँ पर क्यों होता है कि आप लैंग्वेज को स्टडी करते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम थेरेटिकल बेसिस पे कि आप थेरी के बेस पे कहते हैं कि अगर एक बंदा लैंग्वेज को यूज़ करेगा तो शायद उसके लिए ये ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हों लेकिन हम यहाँ पे थेरेटिकल अप्रोच नहीं करते यहाँ पे जो हमारे पास रियल वर्ल्ड में रियलिटी में जो हमें हमारे सामने लैंग्वेज के प्रॉब्लम्स आते हैं यूज़ करने में उसको स्टडी और सॉल्व करती है कैसे सॉल्व करती है रिसर्च और प्रैक्टिकल यूज़ के थ्रू इट इज़ मेनली कंसर्नड विद अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मेनली किस चीज़ के साथ कंसर्नड है द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर लैंग्वेज की सिस्टमैटिक स्टडी के साथ द एक्विजीशन ऑफ़ फ़र्स्ट लैंग्वेज एंड सबसिकुन लैंग्वेज़स पहली लैंग्वेज को हम कैसे एक्वायर करते हैं और उसके साथ साथ सब्सिकुंट लैंग्वेज यानी एक लैंग्वेज के बाद हम आगे वाली जो लैंग्वेज सीखते हैं अपनी लाइफ में उनकी स्टडी की तरफ द रोल ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन में क्या रोल है इस पर इसका फोकस होता है एंड द स्टेटस ऑफ लैंग्वेज एज द प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर कल्चर्स एंड अदर सोशल ग्रुप्स और लैंग्वेज को उस स्टेटस के हिसाब से देखना यानी लैंग्वेज का वो स्टेटस देखना कि यह प्रोडक्ट है किस चीज़ का प्रोडक्ट है पर्टिकुलर कल्चर्स एंड अदर सोशल ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू जी रिचर्ड टकर जो कि एक लिंग्विस्ट है इसकी डिफिनीशन क्या है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की द टर्म अपलाइड लिंग्विस्टिक्स रेफर्स टू अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ विच इन्वॉल्व

और में आता है यानी हम उस चीज़ में इसको यहाँ पे स्टडी करते हैं और एड्रेसिंग सम लैंग्वेज रिलेटेड कंसर्न और जो लैंग्वेज रिलेटेड कंसर्नस हैं उनको हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में एड्रेस करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स इज़ इंटेंडेड टू अब अपलाइड लिंग्विस्टिक्स की इंटेंशन क्या होती है यानी इसके परपज क्या होते हैं एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ़ लैंग्वेज एंड इट्स रोल इन कम्युनिकेशन ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी कि ये लैंग्वेज के स्ट्रक्चर और उसका रोल जो होता है कम्युनिकेशन में उस पर उसको एक तरह से एग्जामिन करती है एक्सप्लोर हाउ चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज अब बच्चे कैसे लैंग्वेज सीखते हैं और लैंग्वेज कैसे अक्वायर करते हैं ये भी एक मेन फोकस होता है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का स्टडी हाउ द स्किल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज स्पीकर डेवलप के एक सेकेंड लैंग्वेज का जो स्पीकर है उसकी स्किल्स कैसे डेवलप होती है ये चीज़ भी हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में देखते हैं इन्वेस्टिगेट हाउ द सोशल और कल्चरल इन्वामेंट इंटरेक्ट्स विद द लैंग्वेज स्टूडेंट्स जब लैंग्वेज को यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिफ़िक कल्चर या फिर किसी भी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में तो वो जो पूरा इन्वायरमेंट होता है जो हमारा कल्चरल और सोशल इन्वायरमेंट होता है वो लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट करता है अब वो किस तरह से इंटरेक्ट करता है इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं हमें प्लाइड लिंग्वेस्टिक्स में गेंद प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में हम प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करते हैं और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशनस क्या है कि हम लैंग्वेज को एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं यानी लैंग्वेज के कुछ डिसऑर्डर्स होती हैं लैंग्वेज के कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं उन डिसेबिलिटीज को एड्रेस करना उनको स्टडी करना जब हम उनको एड्रेस और स्टडी करते हैं तो हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज आती है अब अगर ब्रांचज़ की बात करें सो द मोस्ट वेल डिवेल्प्ड ब्रांच ऑफ अपलाइड लिंग्विस्टिक्स इज़ द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फ़ॉरन लैंग्वेज अगर हम इनकी ब्रांचेज़ में देखें तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिवेल्प ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की वो कौन सी है टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ फ़ॉरन लैंग्वेज यानी आप फ़ॉर लैंग्वेज़ को कैसे टीच करते हैं और कैसे लर्न करते हैं फ़ॉर लैंग्वेज़ की टीचिंग और लर्निंग ये एक मोस्ट डेवलप्ड ब्रांच है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स ही लेकिन इसके साथ साथ और भी फील्ड्स इमर्ज हुई जिसमें क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स आती है क्लिनिकल लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज के डिसेबिलिटीज़ को देखते हैं उन डिसेबिलिटीज़ को कैसे ट्रीट करना है ये हमारा फोकस होता है एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स में हम लैंग्वेज की लर्निंग के हवाले से बात करते हैं लैंग्वेज के एजुकेशन के हवाले से बात करते हैं और ट्रांसलेशन एंड स्टाइलिस्टिक्स में हम लैंग्वेज के स्टाइल की बात करते हैं स्टाइलिस्टिक्स में हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच चूज की हैं टेक्स्ट का स्टाइल कैसा है ये चीजें हम उसमें स्टडी करते हैं चलते हैं अब हम स्कोप की तरफ स्कोप कहते हैं स्टूडेंट्स कि वो स्टडी मतलब अगर हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स कहां पे अप्लाई होती है मतलब इसकी जो स्टडी है ये कहां पे यूज होती है लैंग्वेज एंड टीचिंग दिस मैथड कवर्स मैथडस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इन डूइंग टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी लिंग्विस्टिक इज अपलाइड ऑन दोज मैथड्स अब हम जब लैंग्वेज को टीच करते हैं और जब हम लैंग्वेज को लर्न करते हैं इन प्रोसेस में हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स को अप्लाई करते हैं मतलब अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की जो स्टडी है वो यहाँ पे अप्लाई होती है कि किस तरह हम लैंग्वेज सिखा सकते हैं बच्चों को लैंग्वेज को सिखाने में क्या मसायल पेश आते हैं एक स्टूडेंट को लैंग्वेज लर्न करने में क्या मसाइल पेश आते हैं इन सभी चीज़ों को हम एड्रेस करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के थ्रू लैंग्वेज एंड सोसाइटी लैंग्वेज एंड सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास एक फ़ील्ड आती है लिंग्विस्टिक uh, की या फिर एक सब फील्ड आप कह लें जिसे कहते हैं सोशलो लिंग्विस्टिक्स द ब्रांच इन दिस स्कोप इज कॉल सोशियो लिंग्विस्टिक्स सोशियो लिंग्विस्टिक्स स्टडीज़ अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज सोशियो लिंग्विस्टिक्स सोसाइटी और लैंग्वेज के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करती है एन एक्सप्लोर एंड सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू सोसाइटी दैट अफेक्ट्स द लैंग्वेज वैराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोसाइटी और हम उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं जो कि सोसाइटी के रिलेटेड है और वो प्रॉब्लम्स लैंग्वेज को कैसे अफेक्ट कर रही है और लैंग्वेज की डिफरेंट वैराइटीज़ जो कि किसी भी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है उनको कैसे अफेक्ट कर रही है ये चीज़ हम लैंग्वेज इन सोसाइटी में डिस्कस करते हैं लैंग्वेज एजुकेशन या फिर लर्निंग आप कह लें दिस स्कोप ट्राइज़ टू एक्सप्लेन अबाउट द फर्स्ट लैंग्वेज एजुकेशन ये जो स्कोप है ये हमें बताती है या फिर ये एक्सप्लेन करती है कि फर्स्ट लैंग्वेज एजुकेशन कैसे हम गेन करते हैं एडिशनल लैंग्वेज एजुकेशन या फिर फर्स्ट लैंग्वेज के बाद जो हम एडिशनल लैंग्वेज सीखते हैं उनकी नॉलेज हमारे पास कैसे आती हैं सच एज सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन एंड फॉरन लैंग्वेज एजुकेशन यानी हम सेकेंड लैंग्वेज एजुकेशन या फिर सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग कैसे करते हैं या फिर फ़ॉन लैंग्वेज लर्निंग हमारी कैसे होती है इस चीज़ को भी हम स्टडी करते हैं अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में लैंग्वेज वर्क एंड लॉ द स्कोप ऑफ लैंग्वेज वर्क एंड लॉ एक्सप्लेन अबाउट कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस लैंग्वेज प्लानिंग एंड फोरेंजिक लिंग्विस्टिक्स अब जो स्कोप ऑफ लैंग्वेज है वर्क और लॉ है ये क्या एक्सप्लेन करती है कम्युनिकेशन इन वर्क प्लेस यानी आपकी वर्क प्लेस पर कम्युनिकेशन कैसे होती है उसको एक्सप्लेन करती है लैंग्वेज प्लानिंग आप कैसे करते हैं और साथ ही साथ में फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं फोरेंसिक लिंग्विस्टिक्स ये क्राइम के हवाले से होता है कि जैसे एक क्रिमिनल से आप बात करते हैं आप उसकी लैंग्वेज देखते हैं इन्वेस्टिगेशंस में किस तरह अपने लैंग्वेज को यूज़ करना है और वहाँ पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं उन चीज़ों को एड्रेस करना सो so, ये लैंग्वेज वर्क इन लॉ में आती है लैंग्वेज इन्फॉमेशन एंड इफ़ेक्ट इट स्टडीज़ द लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन डिज़ाइन एंड लेगजिकोग्राफी अब ये वाली जो फील्ड है यहाँ पे भी हमें मतलब ये भी एक स्कोप है अपलाइड लिंग्विस्टिक्स की जहाँ पे उसकी स्टडी अप्लाई होती है ये स्टडी क्या करती है लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स को लिटरेरी स्टाइलिस्टिक्स के साथ डिस्कोर्स एनालिसिस और इसके साथ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन इंफॉर्मेशन डिज़ाइन लेग्जिकोग्राफी कहते हैं डिक्शनरी को डिज़ाइन करना डिक्शनरी को एडिट करना डिक्शनरी के हवाले से जितनी चीज़ें हैं कि आप उसको डिज़ाइन करते हैं एडिट करते हैं ये हमारे पास लेग्जिकोग्राफी में आती हैं तो ये जितनी चीज़ें हैं ये भी एक तरह से अप्लाइड uh, लिंग्विस्टिक्स की स्कोप के अंडर आती हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर अगर आपको आज के लेक्चर की समझ आई है आपको इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की समझ आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक करें इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके कन्सेप्ट भी क्लियर हों और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं नया लेक्चर अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और एक और बात मैं फिर से याद दिला दूं अगर आपको इस लेक्चर के हवाले से आज के लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है किसी भी बात की समझ नहीं आई सो ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है यहाँ पे आप मुझे मैसेज करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें दुआओं में याद रखें इन नए लेक्चर में एक नए कंसेप्ट के साथ हाज़िर होंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़